भगवान परशुराम के प्रति सर्व समाज की जो आस्था है उसमें सबसे ज्यादा आस्थावान ब्राह्मण समाज है, और ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां भगवान परशुराम की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाने की बात करती हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आप सोच रहे होंगे इस वक्त जो हंगामा टाइम्स न्यूज पर भगवान परशुराम की आखिरकार क्यों बात हम कर रहे हैं, तो वहीं हम आपको बता दें, आज भगवान परशुराम के प्रति आस्था रखने वाले सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी हम आपको एक सच्ची तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के पारा थाना हंसखेड़ा साईं मंदिर का है, जहाँ पर दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुजारी पवन दीक्षित अपने मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे कि तभी वहाँ खड़े हुए युवक से छोटी मोटी बहस हुई। उसके बाद उस युवक ने अपने दोस्त के साथ में मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया और ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। वहीं आपको हम बताते चले, ये मामला जब थाना पारा पहुंचा, हरकत में आकर पुलिस ने मुकदमा भी लिखा, लेकिन वहां पर एक हैरान करने वाली बात पंडित पवन दीक्षित ने बताई कि किस तरह से उसका आधार कार्ड और उसकी पत्नी का सारा ब्यौरा ले लिया गया। लेकिन जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया वह नाम तो युवकों का लिखा हुआ है लेकिन पता जो है उनका अज्ञात है। तो वहीं आपको हम बता दें कि पंडित पवन दीक्षित ने करी है बड़ी मांग कि किस तरीके से उसके साथ में जानलेवा घटना को अंजाम देने के लिए दबंग युवकों ने उनको मौत का शिकार बनाने के प्रयास से एक षड्यंत्र रचा था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी की पारा पुलिस नाकाम दिख रही है। वहीं पर उन्होंने पुलिस से लगाई है गुहार कि उनकी जान माल को खतरा, उनकी सुरक्षा करें, इन दबंगों से उनको बचाएं। वहीं पर हंगामा टाइम न्यूज़ के चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने पंडित पवन दीक्षित से बात की, जाना आखिरकार क्या है पूरा मामला, ये डालते हैं। एक उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए तमाम इंतज़ाम करती हैं, लेकिन वहीं पर किस तरीके से उनके इंतज़ामों की धज्जियां उड़ाते हैं दबंग और नहीं करती है यूपी पुलिस उन पर कार्रवाई, आइए डालते हैं एक रिपोर्ट पर नज़र। नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा जहां पर एक पुजारी की जमकर पिटाई एक युवक कर रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कई लोगों ने इस पे आपत्ति जताई और वजह जाननी चाहिए कि युवक उसकी पिटाई क्यों कर रहा है, पुजारी की क्या कारणवश ये वीडियो वायरल हुआ, किसने किया है, क्या पूरा मामला था। आज हम पारा क्षेत्र के हंसखेड़ा नगर आए, जहाँ पर जानते हैं वो जो वीडियो में पुजारी दिख रहे थे वो हमारे साथ है, उनसे जानते हैं क्या मामला था और कब की ये घटना है, ये जो वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है उसमें आप ही हैं जी। घटना ये है कि हम मंदिर में सफाई कर रहे थे, नित्य प्रति की बात, जो हम शाम को सफाई कर रहे थे 9:30 बजे की बात, सफाई करके अंदर के सफाई करके यहाँ पर सामने सफाई कर रहे थे, अपने सफाई कर रहे थे, तब तक वो आया पानी पिए, यहाँ टंकी से लगी है, टंकी से पानी पीने के बाद में वहाँ जा रहे थे, जा रहे थे वक्त उन्होंने जो है उल्टा सीधा बोला, अब हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने गाली दिया, हम ही को गाली दिए, हाँ हम अकेले थे तो गाली दिया, तो हमने उनसे कहा भैया गाली उतारे न दो, जाओ हमको सफाई करने दो। किस वजह से गाली दी, मतलब कुछ ये कोई नहीं पता हमको जी। तो हमने जब उनसे कहा तो वो थोड़ी दूर गए, तब तक उनका एक दूसरा दोस्त भी आ गया साथ में, तो वहाँ पर खड़ा था, अब वो जब तक आया तब वो फिर घूम करके चले आए, जब सामने आ गए तो उनके ऊपर पानी पड़ गई, पानी की छींटे पड़ते ही उन्होंने जो आकर के और पाइप पकड़ करके हमारे ऊपर पानी पूरा चला दिया, उसके बाद में गलेवान पकड़ा और जो हाथापाई पे चालू हो गए। युवक कौन था, कहाँ का रहने वाला है, ये डूडा कॉलोनी के बताए जा रहे हैं, अभी हमको पूरा पता नहीं चला, ना तो पुलिस ने भी हमको बताया कि ये लोग कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या हैं। इससे पहले भी कभी वो आया मंदिर आता जाता था जी, हमको नहीं पता। कोई और जान पहचान नहीं, कभी नहीं आया, कोई नहीं, आपने कभी देखा नहीं, इससे पहले कोई दुश्मनी रंजिश, कोई दुश्मनी नहीं जी। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने आपके ऊपर पानी डाल दिया, पानी डाल दिया उसके बाद गलेवान पकड़ लिया और मारना चालू कर दिया, जब वो मारना चालू कर दिया तब हम भी यहाँ पर खड़े होते, तो हमारे पास तो कुछ था नहीं मंदिर में, तो हमने जो वाइपर उठाया और कहा भैया भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम मारने लगे, भी मारेंगे तुमको, तो वो जो है वाइपर छीन करके
हमने भी उस वाइपर चलाया उसके, तो कान पे उसके लगा, उसके बाद वो वाइपर छीन करके वो जो है हमको मारा, और फिर यहीं से दोनों लोग आ करके, कितने लोग थे? दो लोग जब आए तो वहाँ पर खड़े हुए थे, तब तक एक वेद प्रकाश अधिकारी नाम के जो हैं यहीं पर हैं, वो फौज से रिटायर्ड हैं, वो यहाँ पर आए और बोले कि पंडित को पकड़ कर खींच के लेके क्या इसको मारो आ करके। वो क्यों बोले पता नहीं क्यों ना, पता नहीं क्यों आ करके उन्होंने बोला। जब हमसे उनसे जानकारी लिया हमने, वो देख रहे थे यहाँ पर सब घटना, तब बोले कि जी जी बाद में आए जी, उसके बाद में दोनों लोग घुस करके अंदर यहाँ से इस जगह से हमको पकड़ करके लेके आए, यहाँ से जो बाल्टी रखी हुई है बाल्टी के पास से पकड़ करके लेकर के हमको आए और पकड़ के खींच के यहाँ पर मारना चालू कर दिया, लोटा से बाल्टी से इस कदर से उन्होंने मारा है कि हम क्या बताएं। सीसीटीवी लगा जी? सीसीटीवी नहीं लगा, ये बाल्टी से मारा, देखिए ये, अब ये बाल्टी अगर लगी होती हमारे सर पे, इन्होंने घुमा के मारा था, आपने भी वीडियो में देखा होगा पीछे से सर पे पड़ी है बाल्टी, अगर वो बाल्टी हमारे सर पे पड़ती तो हमारा क्या हाल होता है? तो हम यही चाहते हैं कि क्या योगी राज में मोदी राज में ब्राह्मणों की यही हालत होगी? अच्छा ये बताइए, जब मारपीट हो गई तो आप तो बाहर जाते हुए दिखे, वो लोग यहाँ से कितनी देर बाद गए, उसके बाद आप कब आए, आपने शिकायत कब दर्ज कराई? नहीं तो हम जब भागे यहाँ से, जब हमने सोचा कि अब हमारी जान नहीं बचेगी, ये लोग मार डालेंगे हमको, और मार डालने की भी बोल रहे थे, कह रहे थे कि मार डालेंगे, बिल्कुल मार डालेंगे ठीक, और वहाँ पर आपने वीडियो में भी सुना होगा कि इसको पकड़ो भागने मत दो, पकड़ो भागने मत दो, ये वेद प्रकाश अधिकारी के वचन थे, वो बोल रहा था ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने दौड़ा करके मारा, तब हम जान बचा करके अपनी भाग करके अपनी जान बचाएं। उसके बाद में जब हम आए तो पुलिस के संज्ञान में दोनों लोग थे, उसके बाद वो दोनों लोग भाग गए। हाँ आपने रिपोर्ट लिखाने में पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनको? हमने जब रिपोर्ट लिखवाया तो वो पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको, गिरफ्तार करके जब हमने वहाँ लेकर के पहुँचे तब वो बोले कि जाइए एक एप्लीकेशन थाने में दीजिए, तो जब हम थाने में लेकर के पहुँचे हैं तब जो है वो दोनों लोगों को लेकर के पुलिस वाले एक ही लोग जो भूपेंद्र सिंह हैं वो दोनों को पुलिस वालों को पकड़ करके उनको जो लड़ाई कर रहे थे उनको पकड़ करके लेकर के गए हैं और ले जा करके वहाँ पर पेश कर दिए। पेश करने के बाद में जब हमने उनसे पूछा कि सर इनका नाम क्या है, इनको कहाँ से पकड़ा है, तो वो कहने लगे कि ये पुलिस का मामला है, इसमें आपको क्या लेना देना, आप क्यों बोल रहे हो, आप क्यों पूछ रहे हो। वो जिसका नाम आप ले रहे थे वो जो फौजी था उसको नहीं पकड़ा गया जी। उसके बाद क्या हुआ फिर, कभी वो दिखाई दिए? नहीं दिखाई नहीं दिए। कार्रवाई में आपने क्या पाया? उन्होंने कार्रवाई में हमने कुछ नहीं पाया, कार्रवाई में उन्होंने जो कार्रवाई किया हाँ FIR उन्होंने तुरंत दर्ज किया, अब वो क्या कर रहे हैं हमको तो पता नहीं। जब हम वहाँ थाने में गए तो जानकारी लिया हमने कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से FIR दर्ज करके उनको यहाँ से भेज दिया, अब हमारी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद में हमने जो है भूपेंद्र सिंह का फ़ोन लगाया कि जानकारी के लिए कि उनके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, जो हमारे विवेचना अधिकारी हैं उनको फ़ोन नहीं रिसीव हुआ हमारे द्वारा। हम फ़ोन लगाते रहे, दो तीन बार फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम पंडित प्रदीप कुमार मिश्रा है। घटना को किस तरह देखते हैं, जब आपको पता चला कि आपके सहयोगी पंडित के साथ ऐसा सब हुआ है तो उस समय आप कहाँ थे, और जब आपको पता चला तो आप कब आए, आपको कहाँ? मुझे जानकारी कोई नहीं हुई, दूसरे दिन मुझे जानकारी चली, कल हम सब लोग जब थाने गए तो थाने में बोला गया कि मैं इनकी कार्रवाई कर करके और उन्हें न्यायालय भेज दिया हूँ। अब न्यायालय का काम क्या है वो न्यायालय पर डिपेंड है। हमने कहा उनका कोई पता है क्या नाम था उनका, कुछ जो अज्ञात में नाम दिए गए थे उनका क्या पता है क्या नाम है, पुलिस ने कुछ नहीं बताया। तो मैं चाह रहा हूँ कि यदि हमारी सरकार इसी तरह सनातन पे इसी तरह मारपीट ब्राह्मणों के मंदिरों में घुस करके मारा जाएगा तो ब्राह्मण क्या करेंगे, अपनी बचत के लिए क्या होगा उनका। हम लोग दूसरों की भलाई करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, भगवान इनका कल्याण करें, और हम ही लोगों पे ऐसा अत्याचार होगा तो आगे अपने बच्चे को कौन सनातनी में लेकर के ब्राह्मण बनाएंगे। कहाँ कहाँ अभी तक अपनी शिकायत को लेके आप गए हो, क्या मेडिकल हुआ आपको, कितनी चोटें आई, ये सब का पता किया आपने? जी हमने उनसे पता किया लेकिन उनको उन्होंने हमको मेडिकल की कोई रिपोर्ट दी ही नहीं। हाँ वो हमको ले करके गए यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पर हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद में उन्होंने रिपोर्ट हमको मेडिकल की नहीं दिया है, और वैसे ही उन्होंने
हमको जो है क्या नाम है इसका FIR की फ़ोटो कापी दे दिया, बोला कि अब जाइए आप बस। आया क्या निकला कुछ नहीं पता, आरोपी आपके सामने आए भी नहीं? हमको हमारे सामने नहीं आए ना, पकड़ के सामने जब पहुंचे हैं ये तो मैं वीडियो में इनके फोटो देखा हूं कि इनके सामने बैठा ले गए हैं वहीं पर और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। हाँ, आपने उसके बाद से पुलिस से अपना पर्सनली आपने बैठ के बात की सुरक्षा को लेके, बात कौन थे कैसे क्या हुआ ऐसा कुछ भी बात हुई आपकी? जी बात हुई, लेकिन उन्होंने कोई बात हमको बताया ही नहीं कि वो लोग कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको। आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे यही हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारा जो है यहाँ पर आ करके हमारी मान मर्यादा को जो है किया है, ठीक है, दोबारा आ करके यहाँ पर हमसे बताएं। और सरकार से हमारी जो यही अपील है, यही प्रार्थना है कि सरकार इसमें जो है अपना कदम उठाए, उचित उठाए। तो उचित कार्रवाई से लेकर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सफाई करते समय एक युवक आया जो पानी पी रहा था, थोड़ी सी पानी की छींटे पड़ गई जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने गाली गलौज की, गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई जो सोशल मीडिया पर वीडियो आप देख रहे हो वायरल हो रहा है। वो ये पंडित हैं जिनके द्वारा मारपीट हो रही है, इसकी शिकायत लेके थाने गए। थाने से इनको ये कहा गया कि वो लोग न्यायालय के लिए भेज दिए गए, पर इनको लगता भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो और कौन थे पता नहीं चला। इनकी मांग बस ये है कि इनकी सुरक्षा और जो भी जिसने ये किया है उसको वो आके यहाँ माफ़ी मांगे और वो ये बात बताए कि ऐसी क्या बात हुई, क्या ऐसे क्या बात थी जिसकी वजह से मारपीट हुई है। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पारा में, हंस नगर पारा क्षेत्र है ये, जहाँ पर ये साईं मंदिर के पुजारी हैं जिनके साथ जो सोशल मीडिया पे वायरल जो वीडियो देख रहे हो वो घटना इसी मंदिर की है और ये वो पुजारी हैं जिनके साथ वो घटना बनी हुई। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ, हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ किसी और जगह। ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो।